still drive me crazy. Hey. I've been hungover since the weekend. नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर नहीं अच्छे हैं तो एक बहुत ही प्यारी चीज़ होने वाली है। गाइस लुक एट माय फ्रॉक, मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये फ्रॉक लेके आए हैं, पता नहीं कहाँ से, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू हस्बैंड, थैंक यू डैडी फॉर गेटिंग मी दिस ड्रेस। खुद ही ली है मैंने, मेरे हस्बैंड मेरे लिए कुछ नहीं लेके आते। मेरा बर्थडे आ रहा है, मिलते शाख का उद्धन भी कुछ नहीं मिलना। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज का व्लॉग देखिए, डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। समय हो चुका है 6:20। आज मेरा प्लान नहीं था व्लॉग बनाने का, क्योंकि आज मैंने सारा दिन स्पेंड किया है मेरी क्लीनिंग की वीडियो एडिट करने में। उससे बहुत ज़्यादा समय लग गया, क्लीन करते हुए मुझे 5 घंटे लगे, और 5 ही घंटे मुझे लगे उस वीडियो को एडिट करने में। अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से देखिए, क्योंकि उसके बाद मैं क्लीनिंग की वीडियो पता नहीं कब बनाऊंगी, क्योंकि क्लीनिंग की वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। सो यार, अब हस्बैंड घर आ चुके हैं और हमने चाय पी ली है, और अब हम जा रहे हैं बाहर थोड़ी वॉक करने के लिए, और उसके बाद डिनर आज मेरे पति बनाएंगे। वो बनाने वाले हैं आज चिकन करी ही सैर। बेसन नहीं बननी प्यारी, देखो। ऑलराइट दोस्तों, आज हमने इंस्टाग्राम पे लाइव किया था। हमारी कोशिश होने वाली है कि हम हर वीक लाइव करें एटलीस्ट एक बार। हमारी किसी से बात हुई लाइव में, उन्होंने कहा कि उन्होंने वो वीडियो उनको बहुत अच्छी लगी जिसमें मेरे हस्बैंड ने कुक किया। हस्बैंड ने कुक ये मैं करी वेख्या नहीं कुक कर दे प्यारी। आज मैं आपको बता दूँ कि मेरे हस्बैंड कोई काम नहीं करते। जो भी मैंने वीडियोज बनाई है सारी झूठी है। मूवी तो डादा हार गया। सो यार, हम लोग सैर करने जा रहे हैं। आज दोस्तों मैं बेसन की कड़ी बनाऊंगा। आज मैं अक्षय कुमार बनने वाली हूँ। अभी मैं पकोड़े कटने स्टार्ट करूंगा थोड़ी देर में। मैंने बेसन को भिगो दिया है, और सब्जियां मैंने काट रखी है। कड़ी जकड़ी का सब्जियां और नहीं है तू? ओ पकोड़े नहीं करने? पकोड़ियां जी केड़ी सब्जी पाऊंगी मैं? मटर पोंने, आलू पोंने, प्याज पोंने, प्यार पोंने, सब कुछ पोंने। मेरी सौं खाओगे तो बनाइया कड़ी ठीक कड़ी बनाइया झूठी सोना खाओ बाहर ना जावा के मैं दोस्तों मैं लहसुन अदरक की कड़ी बनाइया झूठ ना बोल वो ते बनाइया कदो बनाइया लहसुन अदरक दी बनाई है कड़ी चिकन कड़ी बनाई होगी भी कभी पूरी नहीं बस आगे कड़छी कड़छी मार देता है चलो चलिए और दोस्तों मेरी बेस्ट रेसिपीज आ रही हैं अब ट्यून इन कर लो चैनल को टीवी वाला गप्पा मार दे ट्यून इन कीता दे होया उन्होंने एनु सब्सक्राइब कर लो Please, 1 million subscribe करा दो। Yes, दोस्तों जल्दी करो please। ये तुझे 1 million subscribe करा देना, मैं chef दा, मैं chef मान जूँगा। चलो। सच्ची? Human heroes, selfless care. The flame still rising, so grateful you are there. Like butterflies, we'll watch the storm. Knowing one day. Our ways will be reborn. We're in this all together. We decide on how we stand up to the never. I want to thank you. Namaskar, प्यारे दोस्तों, आज हम फिर आ चुके हैं एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या को लेके। कोरोना की वजह से पार्क के बिल्कुल खाली थी। ब्रज पार्कों में इतनी भीड़ लग गई है कि हम डर गए हैं कि क्या करें। हम एक कोना ढूंढ रहे हैं जहाँ पे कोई ना हो, सिर्फ हम तीन हो। क्या आप भी डरते हैं? कैमरामैन, व्हाट्स योर व्यूज?
मैं नहीं डरता। जाओ फिर जाओ। जब गाइस वी डन विद पार्क, अब हम जा रहे घर और हस्बैंड ने मेरी बैग को हिट कर दिया है फुटबॉल के साथ। पति ना हमेशा परेशान करते हैं मुझे। ही डिड इट। ऑलराइट दोस्तों, हम लोग आ गए वहाँ से और मेरे हस्बैंड ने मेरी बैग फंड की। और हस्बैंड नु सबक सिखाओ सारे जाने वाले। Somebody कौन आए थे? दो दे बंदे। ऑलराइट अब हस्बैंड कुक करेंगे चिकन करी और मैं आज कोई हेल्प नहीं। ऑलराइट दोस्तों, चिकन करी रेडी है और मैंने हिम्मतन हस्बैंड को सर्व कर दिया है ऑलरेडी। और हस्बैंड ने कहा कि बहुत अच्छी बनी है और राइस के साथ खाएंगे हम। बाबू चिकन कितना बने मां? क्या बले बले रहा दिया ए चिकन बोलन दे या कुछ और बोलन दे? ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੈਰੀ ਤਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਆ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਤੇਰਾ ਚਿਕਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਚੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਿਕਨ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲ। ਆਲਰੇਡੀ ਦੋਸਤੋ ਤੋਂ ਡਿਨਰ ਹਮਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਹਿੰਮਤ ਐਂਡ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋ ਸਰਵ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਖਾਉਂਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਖਾਤੀ ਹੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੂੰ। ਨੋ, ਮੈਂ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਪਰ ਚਿਕਨ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਖਾਈ ਜਾਤੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸੇ ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਸਿਰਪ ਕਰੀ ਖਾਉਂਗੀ। ਮੈਂ चिकन नहीं खा सकती, चंक्स नहीं खा सकती मैं। यू वांट टू ऐड समथिंग क्रेजी पति? यू हिट मी विद योर फुटबॉल। मैं क्या नाम तो बजे में है। ओके दोस्तों, की हस्बैंड ने गला तो खत्म नहीं हो गया। मैं अपने लिए सर्व करती हूँ और खाती हूँ। एंड आज के व्लॉग तू ही भी खा लो, जाओ। ये है मेरा डिनर। राइस थोड़ी ज्यादा खा रही हूँ मैं आज और सिर्फ करी के साथ। और मैंने ले ली है ग्रीन चिली। हस्बैंड तो उत्थे खड़े के इदा खा रहे हैं। ब्याह ते आया ते स्टॉल लगा है। ओ लखो एक्सरसाइज दा ते एक्सरसाइज दा करी जांदा टोटा मुंडा होए। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आज अच्छे हो जाएंगे क्योंकि आपने ट्यून इन कर लिया है मेरा ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में हम क्या करेंगे? कुछ भी खास नहीं करेंगे, जो भी हम रूटीन में करते वही करेंगे। और बहुत सारे दिन हो गए कि मैंने मेरे दिन में मुझे क्या क्या करना है, मैंने टू डू लिस्ट नहीं बनाई है। बस मैं फ्लो के साथ चलती हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि चिंता नहीं करनी है, बस फ्लो के साथ जाना है। पर आज मैंने बना ली है। उसमें है कि जो भी मैंने वीकेंड पर लॉन्ड्री वॉश की है उसे फोल्ड करके ऊपर पहुंचा दिया गया है। उसे अरेंज करना है सारी क्लॉजेट्स में। मेकअप ब्रशेस को क्लीन करना है, किया नहीं है मैंने तब से और वो और बढ़ गए हैं क्योंकि मैं और ले आई हूँ। सो इनको क्लीन करना है आज मेरा टास्क है। और आज मुझे वीडियो एडिट करके अपलोड भी करनी है फुल कवरेज फाउंडेशन रूटीन की अफोर्डेबल, जो आपने ऑलरेडी देखी ली होगी क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी देर बाद जाएगा। दूसरा, मुझे मेरे ऑफिस के काम भी करने हैं आज बहुत सारे। हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करने वाले हैं हमारी सिमोन लैशेस पे। अब पर बिकॉज ऑफ कोरोना सारी चीज़ें पोस्टपोन हो गई, पर अब यार धीरे धीरे चीज़ें बैक टू ट्रैक आ रही हैं और होपफुली सारा कुछ सही जाएगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। वंस सारी चीज़ें जगह जगह पे आ जाएंगी। सबसे पहले मैं कुछ, अब हम खाएंगे। हमारे लंच का समय हो चुका है, 1:00 है। कल मैंने चिकन करी बनाई थी जो आपने ऑलरेडी मेरे कल के व्लॉग में देख लिया होगा। हिम्मत राइस खाने तो करी ना चिकन ना? Yes. हिम्मत खाएगा राइस चिकन करी के साथ क्योंकि वो उसकी फेवरेट है। और मैं भी थोड़े राइस ही खा लेती हूँ, देन हम हमारे घरेलू कामों को शुरू करेंगे। बाय द वे, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक भी जरूर करना और मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लें। सो या
और बहुत बार मेरे साथ होता है कि जब मैं चिकन करी बनाती हूँ तो चिकन फिनिश हो जाता है और करी काफ़ी बच जाती है, तो अगर मेरे पास पनीर अवेलेबल हो तो मैं उस चिकन करी में पनीर ऐड करके उसको कुक कर लेती हूँ, या फिर थोड़ी सी क्रीम ऐड कर देती हूँ, थोड़ा क्रीमी पनीर सा बना लेती हूँ। आज भी मैं वैसे ही करूँगी क्योंकि चिकन का एक ही पीस लेफ्ट है अंदर और करी काफ़ी है, सो ये करेंगे हम। सो इस तरह बहुत सारी बची हुई करी में मैंने पनीर के पतले पतले टुकड़े ऐड कर दिए और मैंने ग्रीन चिली भी ऐड कर दिए क्योंकि मुझे ग्रीन चिली बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके साथ ऐसे होता है तो ये आप भी ट्राई कर सकते हैं, इससे आपकी पनीर की सब्ज़ी बहुत डिलिशियस बन जाती है क्योंकि करी पे आपने इतनी मेहनत की है, सो पनीर और सारे फ्लेवर्स इकट्ठे कर लेगा और ज़्यादा डिलिशियस बन जाएगा। मैंने थोड़ी सी 35% क्रीम ऐड की है, लाइक 2 टेबल स्पून किए होंगे, सो इसकी खुशबू ऑलरेडी बहुत अच्छी आ रही है, सो इसको अब मैं राइस के साथ खा लूँगी। सो इस तरह मैं छोटी प्लेट में खा रही हूँ। खूब सारी मिर्ची ले ली है मैंने क्योंकि मुझे मिर्च खानी बहुत अच्छी लगती है। कितनी मिर्चा है मेरे पास, 4 है मेरे ख्याल से। या ऑल राइट, आज का पहला काम हो चुका है जो कि है वीडियो का एडिट करना एंड अपलोड करना, वो मैंने कर दिया है। फुल कवरेज फाउंडेशन रूटीन यूजिंग मेबलिन फिट मी फाउंडेशन, बिकॉज मेबलिन बहुत ईजीली अवेलेबल है, सो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है जो कि आपको ऑलरेडी अच्छी लग रही है। सो यस, सच है कि अब मुझे ये काम करना पड़ेगा, पर इनको रखने के लिए मैं यूज़ करती हूँ टॉवल। टॉवल को लेने के लिए जा रही हूँ अपस्टेयर्स, और टॉवल को लेने जा रही हूँ तो कपड़े भी अरेंज करके ही आऊँ। कपड़ों की ये 2 बाल्टियाँ भरी हुई हैं, इन सारे को जगह जगह रख दी, अदरवाइज इन्हें ही फोल्ड करने की कोई मेहनत बेकार हो जाती है अगर इसको ऐसे ही रहने दिया तो। आई थिंक आप मुझे देख पा रहे होंगे, हम लोग सेम बोरिंग पार्क में आ चुके हैं। मैंने मेरे पति को कहा था कि डिफरेंट पार्क में चलते हैं, बहुत समय हो गया कि हम ट्रेल पे वॉक करने भी नहीं गए हैं, उसको मैं बहुत मिस करती हूँ। आज अच्छा सनी दिन है, अब मैं कोटी पता नहीं क्यों पाई है, गर्मी है वैसे, पर यार हस्बैंड बोरिंग पार्क में लेके आया था तो मैं थोड़ी नाराज हूँ। वो दोनों जाने वहाँ पे प्ले कर, ओ दोनों जाने वाला प्यार देख लो गाइस, आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस प्यार मोमेंट। Keep saying I'm okay players telling him I'm okay pata nahi kitne boothiyan chakiyan dona ne really I'm okay I'm okay। All right, उधर भी काम थोड़ा सुस्त चल रहा है, इधर भी तो मैं यहाँ पे बैठ के उन दोनों को देख रही हूँ। पता नहीं प्ले कम करते हैं, लड़ाइयाँ थोड़ी ज़्यादा करते हैं, तो यार जितनी देर वो प्ले करेंगे तो अच्छा है, तो मैं यहाँ पे बैठती हूँ उतनी देर, उसके बाद हम थोड़ी वॉक करेंगे क्योंकि वॉक करने के लिए मेरा मन है। और या द सुस्त पार्टी इज़ कमिंग दिस वे नाउ, लेट मी शो इट टू यू गाइस। कुछ करिए, बैठ कर भी जा कर सकते हैं, पिकनिक गाइस, लेट्स गो पिड्डी। एंड हाइड हाइड एंड सीक देखना दोस्तों, हस्बैंड वे को हाइड एंड ने पतले ट्री। फाइनली आज मैंने ब्रश उसको क्लीन कर लिया है, यहाँ पे पड़े थे कितनी देर से। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास बहुत ब्रश है तो आप सही सोच रहे हैं। आज है नेक्स्ट मॉर्निंग, ब्रशेस को बिठाया गया थोड़ी सी धूप में ताकि वो सूख जाएं, ड्राई हो जाएं, क्योंकि जो बड़े हैं वो थोड़े क्योंकि वो थोड़ा समय लगाते हैं वेट होने के लिए, और इनको भी धूप में रख दिया गया है और जो बहुत बड़े हैं उनको भी, कुछ नन्हे मन्ने प्यारों को भी धूप में रख दिया गया है। Jeremy Logan, president of Easy Mondays. We have a beautiful local Toronto-based jewelry brand by Anna on the streets, you know, representing yourself. So we love to create things that really stand for strength and empowerment
and we use that in the names and the shapes and the symbols that we use. Do you have any intention of continuing to do hand sanitizer? Yes, as long as it's needed, we're absolutely going to keep doing it. I really hope I don't have to. Alright दोस्तों, so webinar finish हो चुका है, all the lunch is done और उसके बाद मैंने खाना भी बनाया है. मैंने गोभी आलू बनाए हैं जिसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी, मुझे बहुत भूख लग रही थी. और यस, आज लंच में मैंने खाई है रोटी एंड गोभी आलू एंड हिम्मत ने भी खा लिया है मेरे साथ. और अब मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, मेरा दिल कर रहा है थोड़ा आराम करूँ, मैं सो जाऊँ थोड़ी देर के लिए. पर पता नहीं हिम्मत मेरे साथ सोने के लिए मानेगा या नहीं, क्योंकि वो नहीं मानता है तो फिर मैं सो नहीं पाती हूँ अकेले. को मनाने की कोशिश करती हूँ. Propagation of this prayer plant like Calathea and roots आ रही हैं और इन roots को देख के मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है. Actually मैं इसको और fuller सा बनाना चाहती हूँ. वैसे जब से मैं इसको लेके आई हूँ उसकी growth काफ़ी अच्छी हुई है. Look at this, ये काफ़ी मुश्किल है संभालना इसको, पर मैंने कर लिया. All right. मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी. मैंने हिम्मत को मनाने की कोशिश की कि मेरे साथ थोड़ा आराम कर लो, पर वो नहीं माना. पर मैं काफ़ी देर लेटे रही पर सो नहीं पाई क्योंकि वो कुछ ना कुछ आवाज़ें करता रहा. और अब बज गए 5, तो मुझे लगता है कि मैं बेड पे लेटी हुई थी मोर देन 1 घंटा. और हस्बैंड घर आ चुके हैं, वो आते ही उनको भी नींद आ गई. मे बी कल रात को उनको अच्छी नींद नहीं आई बिकॉज हिम्मत हम दोनों को सोने नहीं देता है. वो हमारे मिडल में सो जाता है और लत्ता मारता दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है. वो बड़ा हो रहा है और हम चाहते हैं कि अपने रूम में सोए. हम उसको रूम में सुला भी देते हैं, लाइक मैं उसको तो रूम में सुला देती हूँ, पर वो मिड नाइट लाइक 1 बजे उठ के आ जाता है हमारे रूम में और फिर सोने नहीं देता है. अब मैं सोच रही हूँ कि अपने रूम में लॉक लगा लूँ कि आए देखे फिर वापस चले जाए. वैसे उसे अपना रूम अच्छा तो लगता है, पर फिर भी पता नहीं उसे आदत पड़ गई है. हर रात मैं उसको उसके रूम में सुलाती हूँ और हर रात वो मिडनाइट उठ के मुँह चाक के आ जाता है मेरे रूम में. मुझे वो प्यारा तो लगता है मेरे साथ, पर बिकॉज़ वो बड़ा हो रहा है तो वो सोने नहीं देता यार. वो बहुत पुश करता है, लत्ता मारता है, वो पता नहीं, आई डोंट नो. सो यार मे बी दैट्स व्हाई हस्बैंड को भी अच्छी नींद नहीं आई. वो तो बेचारे इतने परेशान हो के दूसरे रूम में सोने भी चले गए थे, पर उन्हें वहाँ पे भी नहीं आई क्योंकि अपनी जगह पे ही नींद आती है. तो यह हिम्मत ने काफ़ी परेशान करके रखा है इस काम के लिए. और अब वो पानी के साथ प्ले कर रहा है. उसने मुझे कहा था कि मुझे टब में समय स्पेंड करने देना थोड़ा, तो वो कर रहा है थोड़ा. और हस्बैंड ही नहीं करे और मैं मेरी वीडियो फिनिश कर रही थी मेकअप किट वाली, वो हो गई है. अब उसको एडिट करके मेरी कोशिश है कि आज ही अपलोड कर दूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है. और यस, देन चाय पीते हैं. और अब मुझे कुक करने की चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास सब्जी है और मैंने हस्बैंड की रोटियां भी उसी समय बना दी थी क्योंकि बहुत बार होता है कि मुझसे कुक नहीं होता है बाद में. सो अब वो वही खा लेंगे क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे ठंडी रोटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे ठंडी रोटी से बहुत प्रॉब्लम है. मुझे गर्म गर्म रोटी खानी होती है, पर मैं शायद खाऊंगी नहीं. सो ये है वो मेकअप प्रोडक्ट्स जो मैंने चूज़ किए हैं, सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल, अफोर्डेबल और मिनिमम आपकी मेकअप किट बनाने के लिए. और इनको कैसे यूज़ करके अच्छे लुक क्रिएट करना है वो भी. और इसमें आई शेडो नहीं है क्योंकि मैंने आई शेडो पैलेट नहीं शेयर की, पर मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ उस वीडियो में. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से देख लें. ऑलराइट दोस्तों, तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा. अगर पसंद किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें. मैं मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. वी गाइस कैन डू एनीथिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट. इजी पीजी लेमन स्क्वीज. ऑलराइट दोस्तों, चंगा बाय.